स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कल शाम बदमाशों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक व्यवसायी विक्रांत ने कुछ दिन पहले ही अहियापुर थाने में रंगदारी मांगने और धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि जिस वक्त व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा था, तभी बाइक से पहुंचे बदमाशों ने उसे गोली मार दी। आनंद फानंद में घायल व्यापारी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद इस हत्याकांड को लेकर व्यापारियों में काफी ज्यादा गुस्सा है। ये तस्वीरें आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुजफ्फरपुर की है, जहां पर एक फल व्यापारी की सरेआम बाजार में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और ये तब जब पुलिस में इसकी शिकायत दी गई थी कि बदमाशों की ओर से उससे रंगदारी मांगी जा रही थी, उसे धमकी दी जा रही थी, बावजूद इसके पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सवाल उठ रहा है क्या बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो गई। अहियापुर थाना क्षेत्र में बाजार समिति अवस्थित है, वहाँ पे एक फल के व्यापारी हैं, उनकी गोली मारकर कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा कर दी गई है। हम लोग उनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और उनके परिजनों से भी हमारी बात हो रही है। अभी कुछ सूत्र हम लोग को हाथ लगे हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, ये तो एक बार फिर से जंगल राज की वापसी जैसा दिखाई दे रहा है। इस बीच में काफी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पर की काबू नहीं पाया जा सका है। खासतौर से कई व्यवसायियों की हत्या हुई है, हालांकि इसके पीछे कहीं कभी जमीन का विवाद का मामला बताया जा रहा है और कभी आपसी रंजिश का मामला, लेकिन हत्याएं हो रही हैं और उस पर अब तक प्रशासन की सरकार की पकड़ पहले जैसी थी वैसी नहीं हो पाई है। तो जाहिर है कि सवाल खड़े हो रहे हैं। कई पिछले दिनों राजनीतिक नेताओं की भी हत्या हुई है, अभी हाल ही में वैशाली में हुई है, मुजफ्फरपुर की घटना हुई है। तो जाहिर है कि पूरे बिहार में इस तरह का जो माहौल बना है उसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस क्यों नहीं अपराधियों पर लगाम कस पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रकाश कुमार बता रहे हैं कि इस तरीके का ये पहला मामला नहीं, इस तरीके के कई मामले सामने आए और पुलिस की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं और कोई डर पुलिस का उनमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।